दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज टाइटैनिक, जिसे 1911 में लॉन्च कर दिया गया था, जिसकी लंबाई 269 मीटर थी, क्या ये आज भी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा समुद्री जहाज है? फिर से फेवो फैक्ट्स के चैनल में आपका स्वागत है। इसका सीधा साधा उत्तर है नहीं, क्योंकि आज टाइटैनिक से कई खूबसूरत और लंबी जहाज बनकर तैयार है। उसी में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव समुद्री जहाज है, जिसे सिम्फनी ऑफ द सीज भी कहा जाता है। रॉयल कैरिबियन ग्रुप इस जहाज के ओनर और साथ ही साथ ऑपरेटर भी हैं। ये जहाज द बहामास कंट्री में रजिस्टर्ड है। इस क्रूज शिप को 2018 में बनाकर तैयार कर दिया गया था। इसकी लंबाई 361 मीटर है, जो कि टाइटैनिक की लंबाई से 92 मीटर ज्यादा है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 72.5 मीटर है, जबकि टाइटैनिक की हाइट 53.3 मीटर थी। अगर सिम्फनी ऑफ द सीज के स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस विशाल क्रूज शिप का वजन 28,081 टन्स रजिस्टर्ड है। इस क्रूज शिप को बनाने में जो लागत आई, वो टाइटैनिक को बनाने में लगे कॉस्ट से कई ज्यादा है। सिम्फनी ऑफ द सीज को बनाने में 1.35 बिलियन यूएस डॉलर लगे हैं, जबकि टाइटैनिक को बनाने में केवल 200 मिलियन यूएस डॉलर लगे थे, जो कि सिम्फनी ऑफ द सीज से काफी कम था। हालांकि आज के दिनों के मुकाबले उन दिनों का इतना एक्सपेंस एक जहाज को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा था। दूर से देखने में काफी आकर्षक लगने वाला ये जहाज क्या वाकई में इतना खूबसूरत अंदर से है या नहीं, आइए देखते हैं। 361 मीटर लंबा और 66 मीटर चौड़ा जहाज, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्रूज शिप में कितना एरिया होगा। इस क्रूज शिप में एक साथ 6680 पैसेंजर्स आ सकते हैं। इस चलते फिरते खूबसूरत महल में ऐसी ऐसी सुविधाएं मौजूद है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। इसमें कुल मिलाकर 2759 केबिन्स हैं और साथ ही साथ 22 बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें कई तरह के लजीज खाने की सुविधाएं उपलब्ध है। इस क्रूज शिप में वाटर पार्क भी मौजूद है, जहां बच्चे खेल कूद करके पूरे मजे ले सकते हैं। इसमें कुल 4 स्विमिंग पूल्स हैं, जहां आप सूर्य के किरणों के बीच नहाने का मजा ले सकते हैं। इस क्रूज शिप में आइस स्केटिंग रिंग भी मौजूद है, जहां कोई भी स्केटिंग का मजा ले सकता है। इस क्रूज शिप में फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद है और कई तरह के खेलने की सुविधाएं भी मौजूद है। 1400 सीट वाला थिएटर और साथ ही साथ एक बहुत बड़े एरिया में पार्क भी बनाया गया है, जिसमें 20,000 तरह के पौधे को लगाया गया है, जो कि पार्क को और भी आकर्षक बनाता है। इस क्रूज शिप में और कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जितनी सारी सुविधाएं आपको 1000 जगहों में जाकर मिलती है, यहाँ आपको एक जगह ही मिल जाती है। सूरज ढलने के बाद इस क्रूज शिप की खूबसूरती और बढ़ जाती है। सिम्फनी ऑफ द सीज को बनाने में करीबन 3 साल लगे थे, और ये आपको इसकी खूबसूरती से ही पता चल गया होगा कि आखिर इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा। दोस्तों, महज 2-3 बातों से हम ये तय नहीं कर सकते कि टाइटैनिक से ये जहाज काफी अच्छा या खूबसूरत है। हो सकता है कि टाइटैनिक में भी कुछ ऐसी यूनिक सुविधाएं मौजूद होगी जिससे हम अवगत नहीं हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।